हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 2nd जुलाई 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का इंडिया के अंदर टॉप 5 शेयर के अंदर, जैसे कि विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, इंफोसिस एंड टेक महिंद्रा। ये 5 शेयर की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है। बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनीज ने अपना अपना राय दिया है। क्या क्या राय दिया है, क्या बाई सेल या क्या करने दिया है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। और आपका क्या रणनीति हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर, ब्लूमबर्ग की वेबसाइट में। ये न्यूज़ है बेसिकली आज की डेट पे ही पब्लिश हुआ था ब्लूमबर्ग की वेबसाइट में। बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी ग्लोबली, उन्होंने इंडिया का जो टॉप 5 आईटी सेक्टर कंपनी है उनके अंदर रेटिंग दिया है, और उसके साथ साथ क्या इसका टारगेट हो सकता है सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए, ये न्यूज़ है आज की डेट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग आज की डेट पे ठीक 12:30 से 1 बजे के आसपास ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, जेफरीज जो कि एक पूरा ग्लोबली एक बहुत बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज है, जेफरीज डाउनग्रेड टेक महिंद्रा टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड टीसीएस को डाउनग्रेड किया ऑन मार्जिन वर्स हाइक, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ किया है इन्फोसिस एचसीएल टेक प्राइस टारगेट, और उसके साथ साथ विप्रो भी है। चलिए देखते हैं नीचे चल के एक्चुअल इन्होंने क्या बयान दिया है। बट उसके पहले यहाँ पे उन्होंने एक बहुत शानदार यहाँ पे बात लिखा है, देखिए, जेफरीज ऑल्सो सीज लिमिटेड स्कोप फॉर फर्दर री रेटिंग एज द टॉप 5 आईटी स्टॉक। इंडिया का अंदर टॉप 5 आईटी स्टॉक, ये 5 स्टॉक आर ट्रेडिंग एट प्रीमियम ऑफ 44% एंड 52% देयर 5 एंड 10 ईयर्स एवरेज। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों, जेफरीज ने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा है कि जो टॉप 5 आईटी स्टॉक है, जिसका मैं नाम थंबनेल के ऊपर लिखा हूँ, ये पांचों आईटी स्टॉक अगले 5 से 10 साल में हर साल 44 to 52%, मतलब 40 to 50% के आसपास हर साल रिटर्न देने की काबिलियत रखता है रेस्पेक्टिवली एंड एट अ डिकेड हाई 30% प्रीमियम टू द निफ्टी। मतलब निफ्टी 50 जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट हर साल 30% के आसपास हमें जंप आ सकता है, मतलब ऐसा जेफरीज का मानना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग शेयर में उन्होंने कौन सा शेयर को कितना रेटिंग दिया है, क्या टारगेट प्राइस दिया है। सबसे पहले देखिए, उन्होंने इन्फोसिस के ऊपर बताया जा चुका है, मेंटेन बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, रेस टारगेट, पहले जो टारगेट था इन्फोसिस के ऊपर उससे रेस किया है, और जो नया टारगेट दिया है 1750 का, पहला जो टारगेट दिया था 1600 रुपये का, आज की रेट पर अगर बात करें तो शेयर प्राइस करीबन 1550 से 70 रुपये के आसपास बीच में ट्रेडिंग कर रहा है। 1750 रुपये का जो टारगेट दिया है, ये टारगेट देने का पीछे क्या रीज़न है हम सभी को मालूम है, क्योंकि इन्फोसिस ने December 24 तक जो बाईबैक का अनाउंस किया है, जो ओपन मार्केट बाईबैक, उसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो मैक्सिमम प्राइस था 1750 का, जिसके कारण ये जेफरीज जो ये ब्रोकरेज कंपनीज ने ये टारगेट प्राइस दिया है 1750 का। और मेरे ख्याल से इन्फोसिस जिस टाइप का क्वालिटी का स्टॉक है, ये बहुत जल्दी दिसंबर की पहले ये टारगेट को अचीव कर लेगा। ऑलमोस्ट ये 12% के आसपास ये टारगेट अपसाइड टारगेट दिया है इन्फोसिस के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक के अंदर भी काफ़ी शानदार टारगेट दिया, आप देखिए एचसीएल टेक के अंदर बाइंग का रेटिंग दिया, मतलब आपको खरीदारी करने का राय दे रहा है, हाइक टारगेट प्राइस फ्रॉम 1150 से 1180, पहले जो टारगेट दिया था एचसीएल टेक के अंदर जेफरीज ने 1150 का, फिलहाल जो नया टारगेट दिया है फिर से बढ़ा दिया है 1180 का, और जो अपसाइड मोमेंटम इनको दिख रहा है ऑलमोस्ट 20% का, क्योंकि आज की डेट पर अगर बात करें तो शेयर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 980 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो ये टारगेट दिया है आज की डेट पर करंट मार्केट प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 20% की अपसाइड टारगेट दिया है, तो कहीं ना कहीं एचसीएल टेक जैसे क्वालिटी स्टॉक ये टारगेट डिजर्व भी करता है। चलिए एचसीएल टेक तो हमने देख लिया, उसके बाद इंडिया का 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर का कंपनी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के ऊपर भी यहाँ पे जेफरीज ने देखिए होल्ड का टारगेट दिया, डाउनग्रेड किया रेटिंग, मतलब पहले बाइंग का रिकमेंडेशन था जो कि आज के डेट में होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है। पहले जो टारगेट दिया था जेफरीज ने टेक महिंद्रा के अंदर वो था 1230 रुपये, जो कि थोड़ा सा डाउनग्रेडेड करके टारगेट थोड़ा सा डाउन किया है, 1200 रुपये का दिया है।
फिर भी अगर हम आज की डेट के जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर हम अपसाइड कैलकुलेट करें या टारगेट को, ऑलमोस्ट 10% के आसपास अपसाइड टारगेट दिया है टेक महिंद्रा के अंदर। बहुत शानदार कंपनी है, कंपनी तो मल्टीवेगा रिटर्न देता ही है अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद देखिए इंडिया का नंबर वन आईटी सेक्टर कंपनी एंड टाटा ग्रुप का सबसे वैल्यूएबल कंपनी टीसीएस के अंदर भी डाउनग्रेड किया है, होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है। और जो पहले टारगेट था टीसीएस के अंदर जेफरीज का, देखिए 3740 रुपये का, जो कि फ्रेश अभी जो नया टारगेट दिया है 3570 रुपये का। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7% की आसपास यहाँ पे अपसाइड टारगेट दिया है टीसीएस के अंदर भी। तो दोस्तों टीसीएस जैसे स्टॉक बहुत ही शानदार है, आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो ये सब चीज़ों को लेके आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आता है विप्रो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग सकता है। आपको याद होगा दोस्तों आज से ठीक एक महीने पहले जब जेफरीज ने विप्रो के अंदर टारगेट दिया था 380 रुपये का, जी हाँ दोस्तों, तब ऑलरेडी विप्रो का शेयर प्राइस 500 रुपये के ऊपर चल रहा था। मैं तब की बात बोल रहा हूँ, पहले जो टारगेट दिया था 380 का, तब विप्रो का शेयर प्राइस चल रहा था लगभग 510-15 के आसपास। तब मैं आपको क्या कहा था कि ये टारगेट तो छोड़िए इसके आसपास भी नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ, शेयर प्राइस 500 से सीधा 507 तक पहुंच गया। फिलहाल अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए विप्रो के अंदर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है, और उसके साथ साथ जो पहले टारगेट था 380 उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाया है, और जो नया टारगेट दिया है 470 रुपये का। मेरे ख्याल से 470 भी अभी विप्रो के लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको 500 रुपये के आसपास भी शेयर मिल जाता है फटाफट उठा लेना बिना किसी डाउट के, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जब बात आता है दोस्तों, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा या टीसीएस, ये पांचों के पांचों शेयर दोस्तों आउटस्टैंडिंग रिटर्न देता है अपने शेयर होल्डर को। चलिए एक एक करके शेयर को हम बात करेंगे। टीसीएस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो टीसीएस ने लास्ट एक महीने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे चल चुका है, देख सकते हो पे ऑलमोस्ट 6% के ऊपर जंप लगा दिया। और टीसीएस जैसे इतना बड़ा कंपनी दोस्तों 6% का जंप मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है, बट जब बात आता है लॉन्ग टर्म का तो देख सकते हो टीसीएस जैसे शेयर कितना शानदार रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर को। और टीसीएस जैसे स्टॉक दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली रिटर्न के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा सेफ भी रखता है। जब बात आती है इन्फोसिस का, इन्फोसिस के अंदर भी दोस्तों मैं आपको याद होगा कि लास्ट जब शेयर प्राइस में इतना ज़्यादा तेज़ी आया था, मैं आपको क्या कहा था कि शेयर में एक लिमिटेड जा सकता है, ओवरबॉट जोन पे दोस्तों हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और हमने देख लिया जब शेयर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 590 रुपये के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद से ही हमें छोटा मोटा इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे आप होल्ड करें, जब भी शेयर प्राइस आपको 1500-1550 या उसके नीचे मिल जाएगा फटाफट उठा लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर भी आपको बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकता है। विप्रो की अगर बात करें तो करीबन 560 रुपये से, मैं आपको बार बार बोल रहा था इसके अंदर करेक्शन जरूर हो सकता है, तो आपने देख लिया कि 560 रुपये से बाद देखिए शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिला। अब ये गिरावट दोस्तों मेरे हिसाब से 500 रुपये की लेवल से 510 तक पहुँच सकता है, बस इतना ही। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करूँगा 500 से लेके 510 के अगर आसपास विप्रो का शेयर आपको मिले बिना किसी वेट के फटाफट उठाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जब बात आता है विप्रो जैसे कंपनी आउटस्टैंडिंग रिटर्न देता है अपने शेयर होल्डर को। करें एचसीएल टेक के ऊपर तो मैं 5 रुपये के लेवल जब मैंने एक महीने भी मैं आपको खरीदारी करने का राय दिया था, बस देखिए कितना शानदार रिटर्न दे दिया एक महीने पे 5% रिटर्न। 6 महीने के शेयर प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल आया था क्वार्टर 4 की रिजल्ट के पहले, उसके बाद देखिए शेयर प्राइस में धीरे धीरे अभी रिकवर कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए एचसीएल टेक जैसे कंपनी भी बहुत शानदार रिटर्न देता है अपने शेयर होल्डर को। लास्ट एंड फाइनेंशियल हमारे यहाँ पे लिस्ट में इंडिया का 5th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर का कंपनी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जब बात आता है ये शेयर भी दोस्तों कुछ टाइम पहले अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, देखिए 1109 रुपये के आसपास, एंड आज की डेट पर अगर बात करते हैं उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इसके अंदर भी एक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक महीने की अगर बात करें देखिए ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। जब बात आते हैं लॉन्ग टर्म का तो ये शेयर भी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों ये पाँचों के पाँचों शेयर ही आउटस्टैंडिंग शेयर है, आप बस वेट करिए, थोड़ा सा शेयर जब करेक्ट होगा शेयर में फटाफट आप एंट्री ले लेना, क्योंकि जब बात आता है लॉन्ग टर्म का ये पाँचों के पाँचों शेयर आपके पोर्टफोलियो को सेफ भी रखता है, साथ में कंसिस्टेंटली रिटर्न भी देता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।